चाइना में कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है दोस्तों, मतलब कोरोना वायरस वापस जिंदा हो चुका है चाइना के अंदर। और सुनने में आ रहा है कि भाई भारत के अंदर भी लॉकडाउन लगने वाला है, मगर नहीं, हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन नहीं लग रहा, हमारे देश में अपने खुद के रीजनल अलग ही रीजंस है। जैसे कि इस इंसान को देखो, रोहित शेट्टी, इस डायनासोर के एक्सपायर्ड अंडर ने अपनी खुद की नई पिक्चर निकाली जिसका नाम है सर्कस। और ये पिक्चर सर्कस नहीं है दोस्तों, ये पिक्चर पागल खाना है, हिटलर का बनाया हुआ एक नया टॉर्चर है। सलमान भाई की राधे का पार्ट 2 है ये पिक्चर, ससुराल सिमर की मक्की है ये मूवी, साथ निभाना साथिया का वो प्रेशर कुकर जिसके लिए लड़ तो सब लोग रहे थे, मगर किसी को ये नहीं पता कि भाई लड़ क्यों रहे थे यार हम लोग। सर्कस दोस्तों दुश्मनों को अपने आप से दूर भगाने का काला जादू है। सर्कस वो मेला मोजा है जिसको सूंघ के तुम मरना चाहोगे। सर्कस वो पैरासिटामोल की गोली है जिसको भाई तुम बीमार होते हुए भी लेना नहीं चाहोगे। अरे भाई सर्कस रोही राय के पापा का श्राद्ध का व्लॉग है यार। ओ माय गॉड। ये पिक्चर जिस भी थिएटर में लगी है उसके बाहर भाई वार्निंग के साइन लगने चाहिए बड़े बड़े कि भाई इस पिक्चर को अपने रिस्क पे देखो। बाद में इस पिक्चर को देखने के बाद अगर तुम्हारे पीछे एक्टर चुप गया तो कंप्लेन करने का हक किसी को नहीं मिलेगा। अगर क्यों, मैं अपने 300 रुपए देके इस पिक्चर को देखने के लिए गया था दोस्तों। कैसा? और ये मारता हूँ मैं अपने आपको चाटा कि भाई गधे कॉमन राज, ऐसी पिक्चर देखने जा रहा है तू? जैकलिन के पीछे इतना भी क्या पागल होना कि ऐसी गंदी पिक्चर देखना भाई? साले कुत्तों की जिंदगी। बताऊंगा मैं तुम लोग को विस्तार में इस पिक्चर की कहानी जो कि भाई बहुत शानदार लिखी गई है, जिसे सुनने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। मगर उससे पहले भाई तुम लोग को पता है कि मेरे को म्यूजिक कितना पसंद है, आई लव मेकिंग सॉन्ग। मैंने भी रिसेंटली डिवाइन के बाजीगर सॉन्ग का एक बहुत ही बड़ा रिमिक्स बनाया था, जो कि मैंने बड़ा वीडियो नहीं बनाया, मैंने शॉर्ट टाइप का बनाया था, तो मैंने इस चैनल के शॉर्ट पे भी डाल के रखा है, तुम चेक करना। मैंने अपने म्यूजिक चैनल के ऊपर भी इसको अपलोड किया है, तो मैं उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज जाकर उस चैनल को चेकआउट करो और वहाँ पे कमेंट वगैरह करो यार, बहुत सारे यू नो लाइक इससे मोटिवेशन मिलेगा। आई विल मेक मोर सॉन्ग्स, बड़े वाले सॉन्ग्स, ऐसे वाले सॉन्ग्स, ये ऐसे वाला सॉन्ग है। बिकॉज मेरे अभी 2023 के अंदर बहुत अच्छे सॉन्ग्स निकालने के प्लान है, जो कि हिप हॉप भी होंगे और पॉप म्यूजिक भी होंगे और बहुत क्रेजी सॉन्ग्स होंगे। एक तो श्री राम के ऊपर बना के रखा है मैंने, तो सोचो शंभूरा सॉन्ग श्री राम के ऊपर आएगा तो कितना डोप होगा वो। तो उस कॉमन म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट दिखाओ यार अपना, उस डिवाइन वाले शॉर्ट के ऊपर जाओ और नीचे कमेंट करो यार, मतलब शॉर्ट पे लोग ज्यादातर कमेंट नहीं करते, तो तुम जाके कमेंट करोगे तो भाई उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं शायद और ऐसे शॉर्ट्स बनाऊंगा अपने कॉमेडी म्यूजिक चैनल के लिए, जो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और इस वीडियो के नीचे भी हार्ट इमोजी डाल देना भाई, कॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और तुम्हें लाइक अगर मैं पसंद हूँ तो हार्ट इमोजी डालने में क्या खराबी है, डाल दो प्लीज, इट विल मीन अ लॉट फॉर मी। और अपन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भाई क्या कहानी है इस रोहित शेट्टी की सर्कस की। सर्कस को ऐसे प्रमोट किया गया कि भाई ये बहुत फनी पिक्चर है, इसको देखने के बाद तुम सुबह उठ के ब्रश नहीं करोगे बल्कि जोर जोर से हंसोगे, इतना जोर से हंसोगे कि भाई तुम्हारे पड़ोसी परेशान हो जाएंगे कि भाई क्या हो गया इसको, तुम्हारे घर के शीशे के ऊपर पत्थर फेंक के मारेंगे कि भाई क्यों हंस रहा है तू ऐसे, ये हीरो होंडा की पुरानी मोटरसाइकिल की तरह आवाजें क्यों निकाल रहा है तू, क्या हो गया भाई, तेरी बीवी ने डिवोर्स दे दिया तुझे? अरे नहीं दोस्तों, इसने रोहित शेट्टी की सर्कस देखी है इसलिए इतना जोर से हंस रहा है। हमारे सर्कस में वैरायटी ऑफ जोक्स है दोस्तों, जैसे कि हमारे कैरेक्टर्स के नाम, तो दो कैरेक्टर्स है भाई रणवीर सिंह के, रणवीर सिंह एक जुड़वा बच्चा है इस मूवी के अंदर जिसके भाई दो वर्षन है, एक किसी और सिटी में रहता है और एक इस सिटी में रहता है। और इन दोनों रणवीर सिंह के नाम भाई बहुत बहुत ज्यादा फनी है भाई, एक का नाम है ए स्क्वायर और जो बड़ा वाला है उसका नाम है बी स्क्वायर। हंसो भाई हंसो, ये जोक है। निकल साला। और विलन के नाम भी बहुत फनी, जिसको सुनने के बाद सुअर की तरह हंसेगी ऑडियंस। मेन विलन, मेन जो गुंडा है इस मूवी का, उसका नाम है मोमो। और जो उसके आजू बाजू दो चेले, एक का नाम है मैंगो और एक का नाम है चिंकी। और जो कॉमेडी की है भाई इन विलन्स ने इस मूवी के अंदर भाई, ये बहुत ज्यादा फनी और बहुत लेटेस्ट है भाई मार्केट के अंदर, आज तक किसी ने किया नहीं इस चीज को, ये फिजिकल कॉमेडी है दोस्तों। जैसे कि रणवीर सिंह एक सीन के अंदर इन चोरों से पूछता कि भाई तुम लोग की ट्रेन कैसे छूट गई, तो ये चोर रिप्लाई में कहते ऐसे छूट गई ऐसे। रणवीर सिंह फिर उसी सीन के अंदर वापस इन लोगों से पूछता कि भाई तुम्हारा टिकट कहाँ उड़ गया, तो चोर फिर से रिप्लाई करते उड़ गया। ए भगवान मार दे मुझे, धिक्कार है हम पर। तो मैं ये तो पता पड़ गया होगा कि भाई हमने भूखे कुत्ते की तरह हमारी खुद की बॉलीवुड मूवी की स्टोरी को छाप लिया है, कि किसको क्या मालूम पड़ेगा यार। अंगूर जो कि भाई 1982 में आई थी, ये जब तब ये जैन जी के लौंडे पैदा भी नहीं हुए थे। और फिर हम लोगों ने बड़ी बेशर्मी से हीरन लवर सलमान भाई की मूवी जुड़वा की स्टोरी को भी छाप लिया, और सबको मिला के जो गोबर किया हम लोगों ने स्टोरी के ऊपर, उसको देख के तुम अपने बालों को नोचोगे। अच्छा भाई, डेटॉल 99% कीटाणु मारता है और जो 1% कीटाणु बच जाता है ना, उसने भाई इस मूवी की स्क्रिप्ट को लिखा है, उसको पकड़ के मारो सब लोग, उसको रस्सी से बांध के उसकी पिक्चर को वापस रिपीट में दिखाओ, उसे मालूम पड़ेगी भाई कितना बड़ा टॉर्चर बनाया उसने। भाई इस इंसान ने संजय मिश्रा जैसे लेजेंडरी एक्टर से गंदी एक्टिंग करवाई भाई इस मूवी के अंदर, वो एक्टर जो कि भाई इतना बढ़िया एक्टर है, इतना बढ़िया पोटेंशियल है उनके अंदर, उसको ऐसा यूज किया इन लोगों ने इस मूवी के अंदर, जिसे देख के भाई तुम्हें खुद को शर्म आएगी। अजीबो गरीब हो गए तुम, हम अजीबो अमीर हैं। इस कीड़े मार देने वाली दवाई जैसी पिक्चर के अंदर भाई कहानी भी वही घिसी पिटी है कि भाई दो जुड़वे भाई है, एक को चोट लगती है दूसरे को खुजली मचती है, एक बहुत कमजोर है और एक बहुत ताकतवर है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं भाई किसी और पिक्चर में, बिल्कुल नया यूज किया इन लोगों ने स्टोरी इस मूवी के अंदर।
मगर नहीं भाई, एक चीज इन लोगों ने नहीं डाली है भाई इस पिक्चर के अंदर कि भाई जब एक भाई को करंट लगता है किसी तार का, तो जिस भाई ने टच किया करंट की तार को उसको करंट नहीं लगता, बल्कि दूसरे वाले भाई के आंतड़े और फेफड़े चिपक जाते तार से, उसको करंट लग जाता है। टच इसने किया, करंट उसको लग गया। इसलिए जो मूवी के अंदर मेन रणवीर सिंह का कैरेक्टर है उसको सब लोग इलेक्ट्रिक मैन बुलाते हैं, क्योंकि भाई से करंट लगता नहीं बिल्कुल भी, और दूसरा वाला भाई चिपक रहा होता है करंट की तार से। मगर भाई झटका तो तुम लोग को तब लगेगा जब तुम रोहित शेट्टी की सिटी को देखोगे। मतलब रोहित शेट्टी ने ओटी बोल के फ्रेंड्स बना दिया भाई, यूरोपियन बिल्डिंगें दिखा दी। मतलब तुम लोग इस सर्कस को देखो और मुझे ये बताओ कि ये सर्कस 1960 का सर्कस लग रहा है तुम्हें? भारत का 1960 की कहानी है और ये 2022 का रशिया लग रहा है ये इनका सेट। और एक और चीज, जब भी इस मूवी के अंदर किसी को करंट लगता है तो भाई वो रेप्टाइल की तरह अपनी जीभ बाहर निकाल के ऐसे करता है, और ये इतनी बार किया गया इस पिक्चर के अंदर कि भाई तुम्हें हंसना पड़ेगा। ये जबरदस्ती हंसा रहे हैं तुम लोग को। इनके पास अगर बंदूक होती ना, तुम्हारे सर पे रख के बार बार ये सीन दिखा के तुमको हंसाने की कोशिश की होती कि या तो हंस ले इस सीन को देख के, या फिर जहर की गोली खा के मर जा, क्योंकि भाई ये फनी सीन है, इसको देख के हंसना पड़ेगा। तभी तुम्हारे कैरेक्टर्स बार बार ये कर रहे हैं, फनी है। 1960 में रह रहे हैं ये लोग, और जैकलिन के कपड़े देखो एक बार तुम लोग, भारत के अंदर 1960 में ये ऐसे कपड़े पहन रही है। मतलब हॉट तो लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नंबर दिला दो इसका, पक्का मोतीचूर के लड्डू बांटूंगा तुम लोगों में। मगर 1960 है यार ये, और भाई वो दूसरी हीरोइन भाई मिनी स्कर्ट पहन के घूम रही है भाई, अपने मन पसंद के बंदे से शादी कर रही है 1960 के अंदर, वो भी इंडिया के अंदर। हाउ इट इज पॉसिबल यार, ये तो कुछ समझ के परी है, बिल्कुल ही समझ के परी है। कास्ट सच्ची में बहुत अच्छी थी, इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर थे पुरानी मूवीज के, जितने भी एक्टर्स थे ना वो पुरानी मूवीज में जो फनी रोल्स करते थे उन सबको उठा के लेके आ गया भाई रोहित शेट्टी। मतलब काफी ज्यादा पैसा लगाया होगा कास्ट के अंदर, बढ़िया बढ़िया फनी एक्टर्स को लेके आया मूवी के अंदर। मगर जितने बढ़िया एक्टर लेके आया, जितना उनपे पैसा लगाया, उतनी बेशर्मी से भाई इनसे गंदी एक्टिंग भी करवाई है, वाहियात काम करवाया इन लोगों से। सारे बढ़िया एक्टर्स की काबिलियत को, एक्टिंग की स्किल्स को भाई वैसे लगा के जो रोहित शेट्टी ने रगड़ा है ना, उसको देख के भाई तुम लोग गुस्सा होगा, तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा कसम से भाई। ये सारे लेजेंडरी एक्टर और बहुत गंदी एक्टिंग कर रहे हैं मूवी के अंदर। ऐसा लड़का लाऊंगा जो मेरी तरह हैंडसम और स्मार्ट हो। अरे इससे बढ़िया तो भाई तू तो स्कॉर्पियो और बुलेरो उड़ा दिया कर भाई, ये ऐसी पिक्चर बना रहा है उसे स्कॉर्पियो और बुलेरो उड़ा दे वही देख लेंगे। इतना ब्राइटनेस बढ़ा दिया, इतना चमका दिया सब कुछ कि भाई तुमको लगा कि भाई तुम कोई पोगो का शो देख रहे हो, तुमको लगा कि भाई तुम ऑसवर्ल्ड देख रहे हो पोगो के ऊपर। अरे भाई इंस्टाग्राम का फिल्टर लगा के पिक्चर शूट किए इसने। जब इतने बड़े थिएटर में तुम अपनी आंखों से देखोगे ना भाई सब कुछ चमकता हुआ, तो तुम्हें सरदर्द हो जाएगा कसम से। मैं बता रहा हूँ कि भाई रोहित शेट्टी खुद मूवी को देख के हंसा हुआ कि भाई यार मैं क्या क्या बनाया मैंने, जान ले वो वायरस बना दिया भाई मैंने, इसको देख के तो जनता मर जाएगी, तड़प तड़प के मरेगी इसको देख के। नहीं तो सारे एक्टर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, पीट पीट के कॉमेडी कर रहे हैं दूसरे को, काला मोटा ये सारी कॉमेडी हो रही है भाई पिक्चर के अंदर, बॉडी शेमिंग हो रही है कॉमेडी के नाम पे। पहले क्या कॉमेडी हुआ करती थी भाई प्रियदर्शन के टाइम पे, इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी थी, ढोल वगैरह हलचल वगैरह, वो भी काइंड ऑफ इरर कॉमेडी हुआ करती थी। इरर कॉमेडी का मतलब सब लोगों में कंफ्यूजन हो रही है किसको क्या लग रहा है कि भाई ये कौन सा इंसान है ये कौन सा इंसान, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि रणवीर सिंह दो करेक्टर तो भाई वो ऐसे आजू बाजू में मिक्सअप हो गए हैं, एक बंदा यहाँ रहता है एक बंदा वहां रहता है, तो दोनों मिक्सअप हो गए हैं, तो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कौन सा बंदा क्या है। पहले वाले मूवीज में भी ऐसा हुआ है बहुत बार, बट स्टिल वो चीजें बहुत फ्रेश लगती है, बहुत फनी सा लगता है उनको देखने में, बट ये तो कैंसर है भाई कसम से कैंसर है। थोड़े टाइम के बाद वैसे भी नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी आने वाली है, तो वहां पर देख लेना इस मूवी को, और मेरा डिवाइन का बाजी वाला ट्रैक सुन लेना बिकॉज मैंने शॉर्ट में डाला है, और वहां पर भी थोड़े कमेंट्स वगैरह कर देना बिकॉज इट्स वेरी डोप। और मेरे म्यूजिक चैनल का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी चेक करो बिकॉज वहां पर भी बहुत डोप ट्रैक्स आने वाले हैं 2023 के अंदर। सो आई एम प्लानिंग, आई एम वर्किंग हार्ड, सो प्लीज सपोर्ट। बस यार आज के लिए इतना ही, तुम लोग बताना भाई तुम्हें मूवी कैसी लगी अगर किसने देखी है तो, और कोई देखने जा रहा है तो भाई तो भी कमेंट के अंदर बताओ मुझे, और बाकी हैप्पी न्यू ईयर टू यू यार, अपने नए ईयर को सेलिब्रेट करो, अपने नए ईयर के अंदर और भी मजेदार चीजें करो, डोप ईयर बनाना अपने अगले साल को, मैं भी कोशिश करूंगा तुम भी कोशिश करना, और बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।